हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज मोस्ट अवेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह देता हूं, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ले आइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अंतिम प्रहार में फिर से ले आया हूं और इस बार पूरा डेडिकेशन रहेगा। न केवल इस बार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बल्कि उनके सॉल्यूशन भी मैं एज इट इज हर एक वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसके जो डिटेल वीडियोस हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसके कमेंट्स लिंक दे देंगे, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पांचों यूनिट के आपके डिटेल्स वीडियो बना रखे हैं। तो मेरी फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसा हमेशा होता आया है और होता रह सकता है क्योंकि हमारी टीम काफी इसमें मेहनत करती है। मैं आप सबको बता देता हूं कि आज करीबन 2 ईयर्स से हमारे इस पे वीडियोस अपलोडेड हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और जितना भी मेरे को पता है एज द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज 80 to 90% क्वेश्चन, 80 to 90% क्वेश्चन इन अंतिम प्रहार सीरीज से आ जाता है। मिनिमम 60% का हमने देखा है और मैक्सिमम हमने 90-95% क्वेश्चन इसी अंतिम प्रहार की सीरीज से देखे। एक दो पेपर कभी ऑड इवन हुए होंगे जिनके अंदर हमारा 40 या 50% गया होगा थ्रू आउट जितने भी आज तक सेमेस्टर्स हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है, सारे डिटेल वीडियो का एनालिसिस होगा और क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है उसके ऊपर होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, सॉरी है ना, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए और एक इंपॉर्टेंट बात के केस स्टडी को अपन को और अच्छे से निपटना है। केस स्टडी के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं कि हाउ टू सॉल्व द केस स्टडी, और वो प्रैक्टिस से होने वाला है। किस टॉपिक पर आएगी, क्या आता है, ये हर बार पैरामीटर चेंज हो जाता है। पिछली बार शायद स्वॉट पे आई थी तो इस बार पता नहीं किस पे आएगी, लेकिन जो अप्रोच रहने वाली है वो सिमिलर रहने वाली है और हो सकता है कि इसी अंतिम प्रहार के टॉपिक्स में से भी आपको केस स्टडी देखने को मिल जाए। तो केस स्टडी एक डिफरेंट पैरामीटर होगा जो पार्ट बी की बात होगी, लेकिन यहां पर अंतिम प्रहार आपको पार्ट सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। करीबन मैं 12 क्वेश्चन इसके साथ 12 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा, टोटल इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन होने वाले। थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ी सी तबीयत नरम है, इसीलिए ये वीडियोस बनने में देर हो गई थी, वरना ये वीडियोस करीबन मेरे को लगता है 5-7 दिन पहले आप तक डिलीवर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर। अब याद रखना, यहां पर क्वेश्चन पूछा है बाइंग बिहेवियर का, आंसर में बुक के अंदर लिखा है कंज्यूमर बिहेवियर। तो सर कंज्यूमर और बायर में कोई डिफरेंस होता है क्या? होता है। देखो, सबसे पहले होता है कस्टमर, ठीक है, क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाएगा वो याद रखना, कस्टमर, फिर होता है बायर और फिर होता है हमारा कंज्यूमर। जो व्यक्ति शॉप पर जाता है, कहाँ जा रहा है? शॉप पर जा रहा है, मार्केट में जा रहा है बाइंग के पर्पज से। पर्पज क्या है उसका? विजिट करना नहीं है, बाइंग करना। मेरे पिताजी गए बाजार के अंदर और वहाँ उनका पर्पज था एक शर्ट बाय करने का। क्या बाय करने का? शर्ट बाय करने का। वो शर्ट बाय करने के लिए गए तो वो वहाँ पर उस दुकान पर कस्टमर कहलाए। उनको फर्स्ट शॉप पर पसंद नहीं आया, सेकेंड शॉप पर पसंद नहीं आया, थर्ड शॉप के अंदर वो गए और वहाँ से उन्होंने फाइनली एक शर्ट बाय कर ली, तो वो बायर और कस्टमर दोनों हो गए। जब वो कस्टमर घर पे लेकर आए वो शर्ट, मुझे ज़्यादा पसंद आ गई और मैंने कहा मेरी फिटिंग की भी है, आप मुझे दे दीजिए। मेरे पिताजी ने वो सहज मुझे दे दी, तो मैं हो गया कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, बायर जो पेमेंट करता है, पे करता है, बाय करता है, वो बायर कहलाता है, और कस्टमर जो शॉप पे विजिट करने के लिए जाता है फॉर द बाइंग पर्पस। क्लियर हो गया? अब कितने केस के अंदर कंज्यूमर, कस्टमर, बायर तीनों एक ही जने हो सकते हैं? जैसे कि बाइक लेनी थी, ठीक है, तो मैं ही गया दुकान पे, मैंने ही पसंद करी, मैंने ही पेमेंट करा और मैं ही यूज़ कर रहा हूँ। तो कार लेनी थी तो मैं ही गया शोरूम पे, मैंने ही बाय करा और मैं ही आज यूज़ कर रहा हूँ। तो डिपेंड कर रहा है कस्टमर, बायर एंड कंज्यूमर। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट आपको? अब क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो बायर है या ये कंज्यूमर है ना, बुक के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर रखा, लेकिन आपको थोड़ा IQ लगाना है यहाँ पे। इन दोनों में इनका जो बाइंग का प्रोसेस होता है, बाइंग का प्रोसेस एक डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको
इस बाइंग के डिसीजन को कि मेरे को ये प्रोडक्ट बाय करना है कि नहीं करना है, इसको कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें जो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं, दो तरीके के मेजरली फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल यानी मेरे खुद के, जो क्या हो सकता है, मेरा पर्सनल फैक्टर हो सकता है, एज हो सकती है, जेंडर हो सकता है, कास्ट हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है, लाइफस्टाइल हो सकती है, पर्सनैलिटी हो सकती है, वो सारे के सारे फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर, मेरे को कौन सी चीज़ें मोटिवेशन देती है, परसेप्शन, अरे उस फिल्म स्टार ने वो चीज़ लाया है तो मेरे को भी वो लानी चाहिए, उसने वो जैकेट पहना था तो मुझे भी पहनना है, तो देयर इज परसेप्शन कि मुझे वो सा चीज़ खरीदनी है, ठीक है। और मेरा बिलीफ एंड लर्निंग कि मेरे को ये चीज़ें अच्छी लगती है, मेरे को ये चीज़ें खराब लगती हैं, दिस इज़ गुड फॉर मी, दिस इज़ बैड फॉर मी, ये मेरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। और पर्सनल फैक्टर मेरी एज हो गई, मेरा जेंडर है, इसके अलावा कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी, फ्रेंड्स ग्रुप, पीयर ग्रुप, फैमिली, ये सभी आपका पर्सनल फैक्टर्स के अंदर आ जाता है। दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स, क्लियर है। अब यहां पर याद रखना, ये जो इंटरनल फैक्टर हैं इसके कुछ एक्सटर्नल भी सिमिलर कहलाते हैं, जैसे कि कास्ट, कम्युनिटी, फैमिली, ये आउटर से आपको इंपैक्ट करते हैं, होते तो इंटरनल ही हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे फैमिली वाले, लेकिन आउटर से इंपैक्ट करते हैं। तो कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी मैंने आपको यहां बताया, अब इसको आप यहां पे ले लीजिए, बस ये काम खत्म हो गया। तो सर पर्सनल के अंदर कौन से लेने हैं, देखो एज, आपकी इनकम, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, जो कोर पर्सनल के हैं। अब ये हमारे कल्चरल जो फैक्टर है, कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी, फैमिली, सोशल ग्रुप्स, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कल्चरल फैक्टर्स हो जाएंगे। और जो सोशल ग्रुप्स हो गए वो सोशल फैक्टर्स हो गए, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप वो पीपल होते हैं जिनका हम रेफरेंसेस देते हैं, इस बेसिकली हमारा फ्रेंड सर्कल को हम रेफरेंस ग्रुप बोल सकते हैं, या हमारे कलीग्स हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, ये सारे के सारे। अब बेसिकली कुछ बुक्स के अंदर ये चारों फैक्टर्स ऐसे नहीं लिखे हुए, उन्होंने डायरेक्ट पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो आपको मैं ये याद करवा देता हूँ। देखो किसी के भी बाइंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी एज, उसकी इनकम, उसका जेंडर, उसकी हैबिट, उसकी चॉइस, उसका टेस्ट, ठीक है, उसकी फैमिली इनकम, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, नेशन जिसको बिलोंग कर रहा है, वेदर भी बिलोंग करता है इसके अंदर, वेदर का कोई फैक्टर नहीं है, पॉलिटिकल पावर भी है, पॉलिटिकल डिसीजंस भी हैं, ठीक है, मींस का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी है, ये सारे के सारे मेरे बाइंग बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट भी इसमें एक प्ले करता है। तो इसके अंदर नॉर्मली अभी 10-12 दिए हुए हैं, लेकिन आप इसको 15-20 भी समझ सकते हो, केवल आपको मेजर 8 पॉइंट्स याद रखने हैं, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होगा। पर्सनल फैक्टर के अंदर हमने कोर पर्सनल लिया, देखो फैमिली, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर होते हैं, लेकिन उसको एक्सटर्नल में इसलिए रख दिया गया क्योंकि बुक के अंदर डिफरेंशिएट किया गया, वो भी आपके पर्सनल फैक्टर्स में आ सकते हैं, लेकिन ये आउटर से कर रहे हैं और ये इंटरनली कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल किया गया, क्लियर है। जल्दी सेकेंड वीडियो में मिलते हैं और अपने आगे के 11 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली, कंप्लीट करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।